बेसन में 2 कप दूध घोलकर बनाए ऐसी मिठाई कि सब खाते रह जाएं। और सबसे खास बात ये कि इतनी फटाफट तैयार हो जाती है, बिल्कुल 10 मिनट में, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ना ही आपको किसी मावा की ज़रूरत, ना ही कोई चीज़ आपको मार्केट से लानी, सब चीज़ आपके किचन में अवेलेबल रहेंगी। तो बहुत ही कम बजट में तैयार ये इतनी ज़्यादा टेस्टी मिठाई कि सब आपसे पूछेंगे कैसे बनाई। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोना। मेरे यूट्यूब चैनल ऑसम फूड विद सोना में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो एक बड़े बर्तन में सबसे पहले 2 कप बेसन लेंगे और एक कटोरी में थोड़ा सा घी लेंगे। घी अभी सर्दियां चल रही हैं तो जमा हुआ रहेगा, आप उसे पिघला लीजिए। और जितना घी लेंगे उतना ही मिल्क लेंगे, इसको मिक्स करके बेसन में डालेंगे। तो क्या करते हैं कि ये बर्फ़ी बनाते हैं जब, तो मोयन लगाना रहता है, तो आप दूध और घी का ही मोयन लगाइएगा। तो इस तरह से मिक्स करेंगे, और जब हम मिक्स कर लेंगे तो इसमें गुठलियाँ रह जाएंगी जो हम दोनों हाथों की मदद से यानी कि पाम के बीच में रब करेंगे, तो गुठलियाँ सारी ही हट जाएंगी। इस तरह से आप रब करिएगा। तो किस किस के घर में इस तरह की मिठाई बनती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है ये भी बताइएगा। तो हमारे यहाँ तो बेसन की बर्फ़ी बोलते हैं। तो अभी हमने पाम की मदद से रब कर लिया है, इसको सेट होने के लिए लगभग 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक कि हम चाशनी बनाते हैं। तो हमने एक बोल चीनी ली हुई है, उसी बोल में लिया हुआ है जिसमें 2 बोल बेसन लिया था, और 1 बोल पानी लेंगे। आपको मेजरमेंट का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि बिना मेजरमेंट के आपकी जो बर्फ़ी है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनेगी, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में इतनी ज़्यादा टेस्टी मिठाई आप घर पर बना पाएंगे, वो भी इसी तरह से जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए, एक तार की चाशनी बना लेंगे, और थोड़ा सा सुंदरकरण लाने के लिए थोड़ा सा फूड कलर मिला लीजिए। अगर आपके घर में नहीं पसंद करते हैं तो आप ना भी डालिए, बट थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। और थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे जिससे और भी अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है, इसको हम साइड में रख देंगे। तो अभी हमारा जो बेसन है वो सेट हो चुका है, और वैसे तो पाम की मदद से हमने रब कर लिया था, लेकिन इसमें फिर भी गुठलियाँ रह जाती हैं। तो आप क्या करिएगा कि मिक्सी के जार में इसे 1 से 2 बार चलाना है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, नहीं तो एकदम महीन हो जाएगा, फिर जो मोयन लगाया है उसका कोई असर नहीं रहेगा। बेसन को हमें दानेदार बनाना रहता है, बट गुठलियाँ नहीं रखनी होती है, इसलिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा डालकर 2 से 3 बार में मिक्सी के जार में पीस लेंगे। तो रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे जो बेल आइकन दिया गया है उसको दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए, इस तरह से सारा ही बेसन मिक्सी में पीस लिया था, और इस तरह से आप भी करेंगे तो बढ़िया एकदम दानेदार बेसन बनकर के तैयार होगा। आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, नहीं तो फिर आपका मोयन लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो गैस पर कढ़ाई या पैन चढ़ाएंगे, और इसमें लगभग 1/2 कप घी डालेंगे। तो घी जैसे ही गर्म हो जाएगा वैसे ही बेसन डाल देंगे। तो लगभग 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर बेसन को भूनना रहेगा। तो आपको कैसे पता करना है कि बेसन भून चुका है? तो हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो आप समझ जाइएगा कि बेसन आपका अच्छे से भून चुका है। तो अभी हम यहाँ पर मावा का फ्लेवर देने के लिए 4 से 5 चम्मच मिल्क पाउडर लेंगे, और थोड़ा सा मिल्क डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ने देंगे, तो वो लगभग 1 कप के करीब मिल्क डालेंगे। आपको एक ही बार में पूरा नहीं डालना है, नहीं तो जो मिल्क पाउडर है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो अभी हम इसको पूरे मिक्स को इसमें डाल देंगे, और आपको अब इस स्टेज पर अच्छे से चलाना रहेगा। आपको तब तक चलाना रहेगा जब तक कि ये बिल्कुल पूरा मिल्क जो है वो इसमें सूख नहीं जाता, और एक तरह से जैसे पहले बेसन था एकदम दानेदार सूखा हुआ उस तरह से नहीं बन जाता। तो आपको चलाना रहेगा लगभग 5 से 6 मिनट के बाद में ये दानेदार बेसन वैसे ही हो जाता है, और जो मिल्क और जो वो मिल्क पाउडर था ना, दोनों का मिक्स जो है इसमें एब्जॉर्ब हो चुका होगा, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाएगा इस स्वीट को। तो हम यहाँ पर 2 से 3 बार में चाशनी डाल देंगे। आपको एक ही बार में पूरी नहीं डालनी है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालिएगा। हो सकता है आपसे ज़्यादा चाशनी बन गई हो, तो 2 से 3 बार में डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है। तो चलिए, हमने तो बिल्कुल फिक्स बनाई हुई थी तो हम पूरी ही डाल देंगे 2-3 बार में। तो आपसे भी बिगड़ेगी नहीं, आपको जैसे मैंने मेज़रमेंट बताया है
आप ज़रूरी नहीं कटोरी से ही आप कोई और बर्तन से मेज़रमेंट कर लेना, तो बस यही रहेगा कि आपकी कम या ज़्यादा बनेंगी, बस जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट रहेगा और आपकी मिठाई भी परफेक्ट ही बनेगी। तो आप तब तक चलाएंगे जब तक कि ये तली नहीं छोड़ने लगे, इस तरह से देखिए तो आपको समझ में आने लगेगा। आप क्या करिएगा कि एक प्लेट में थोड़ी सी एक बूंद निकाल लीजिए और फिर उसको ठंडा होने के बाद गोली बनाकर देखिए, अगर वो अच्छे से बन जा रही तो परफेक्ट बन चुकी है। तो हमने यहाँ पर एक थाली में थोड़ा सा घी लगा लिया था और इसमें सारे बैटर को डाल देंगे। अभी आप हाथ से नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होगी, तो आप स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर लीजिए और 5 से 7 मिनट के बाद में, हो सकता है 10-15 मिनट भी लग जाएं, तो इसको देखेंगे परफेक्टली सेट हो चुकी होगी। तो मैंने चांदी के पर्क से सजाया हुआ है और देखिए एकदम बढ़िया से कट रही है, बिल्कुल नाइफ एकदम क्लियर निकल रहा है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, क्योंकि हमारी मिठाई जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई है। आप इसे खाएंगे ना तो एकदम खाते ही रह जाएंगे, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। तो मैं अभी आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी, आपको टेक्सचर देखने से ही पता लग रहा होगा, देखिए कितना इजीली टूट रही है और बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। तो आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।